Please subscribe to my channel Mehak in the Kitchen and press the bell icon for more latest videos. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पिन व्हील समोसा। तो आइए चलें पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 कप मैदा लिया है, 4 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। पानी जितना ज़रूरत होती है डो को गूंदने के लिए उतना लीजिएगा, और डो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए इसकी। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी। ये मैंने 4 टेबलस्पून निकाल कर रखा था, डाल दिया मैंने इसमें। ये 1 टीस्पून नमक, 1 पिंच अजवाइन। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मैंने इसमें ये ऑयल डाल दिया है। अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसे गूंदूँगी इस तरह से। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसे गूंद रही हूँ। थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ मैं। ये देखिए मैंने इसकी हार्ड डो तैयार कर ली है। अब मैं इस पर ऑयल लगाकर इसे कवर करके रख दूँगी 20 मिनट के लिए। मैंने इसे कवर कर दिया है। तो आइए अब चलते हैं इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ 3-4 आलू लिए हैं, नॉर्मल साइज़ के लिए हैं मैंने। ये 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। 3-4 मैंने यहाँ बारीक वाली हरी मिर्च ली है, उन्हें बारीक बारीक काट लिया है। और ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, और ये कुटा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। तो आइए चलें आलू को मैश करते हैं। मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं ये मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्ची मैंने इसमें डाली, हरा धनिया, और ये भी सारे खुश्क मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। मैंने सब इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इस तरह से। देखिए मैंने इसकी फिलिंग तैयार कर ली है। इसमें कोई भी आलू इसमें साबुत नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसके आलूओं को मैश किया है, और मसाले को भी खूब अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं। हमारे आटे को जो हमने रेस्ट दिया था उसे देख लेते हैं, चेक करते हैं। हमने इसे रेस्ट देने के लिए रखा था, ये हो गया है। इसे साइड पर रखते हैं। 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, 3 टेबल स्पून इसे मैं खोल कर थोड़ी लई बना लूँगी। मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसे पतला पतला सा घोलना है। देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब इसे साइड पर रख देती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, रोटी को बेल लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करूँगी। अब मैं इसमें इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से।
इस तरह से इसका पेड़ा बना लूँगी एक। ये देखिए मैंने इसका गोल सा पेड़ा बना दिया है। अब मैं इसको बेलूँगी रोटी की तरह। थोड़ा सा और मैदा स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसे थोड़ा मोटा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। मैंने इसे बेल लिया है। अब हम फिलिंग करेंगे। इस तरह से मैं फिलिंग इस पर रख रही हूँ। इस तरह से आप गैप दे दे के रखेंगे इस पर रोटी पर। इस तरह से मैंने रखा है। अब मैं इसे फैला लूँगी अच्छी तरह से पूरी रोटी पर। ये देखिए मैंने इस तरह से इस पर फैला लिया है पूरा। अब हम इसे रोल करेंगे। देखें आराम से हम इसे रोल कर लेंगे। बहुत ईजली ये रोल हो जाएगा। ये मैंने इसको रोल कर लिया है। ये मैंने लई बनाई थी, अब मैं इसके कॉर्नर पर लगाऊंगी और इसे इस तरह से ये देखें रोल कर लिया है इसे। मैं इसके दोनों कॉर्नर काट दूंगी। आप इसे बिल्कुल एहतियात के साथ काटिएगा, इसे शेप ख़राब नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गोल शेप में ही रहना चाहिए। अब मैं इसे कट कर लूँगी। इसे नाइफ़ को ऐसा ऐसा चलाकर मैं इसे ये देखें इस तरह से काट लूँगी। ये देखें इसी तरह से मैं पूरा काट लूँगी। ये देखिए मैंने सारे काट कर रख लिए हैं। ये देखें तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। ये जो हमने लई बनाई थी हम इसमें डिप करेंगे। मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया है। आप जितना चाहें ऑयल ले सकते हैं डीप फ्राई करने के लिए। चलिए करते हैं। मैं इसमें आराम से इसे रख दूंगी। देखें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने हैं हमें ये। इसी तरह से मैं सारे डिप करके फ्राई करूंगी। 2 मिनट हमें इसे फ्राई करना है, उसके बाद हमें इसकी साइड चेंज करनी है। मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि इसकी रोटी जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है अच्छी तरह से, ताकि उसकी रोटी पक जाए, इसलिए मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। 2 मिनट बाद मैं इसकी साइड चेंज करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए इस पर कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज करके दिखा देती हूँ। ये देखें अब इस साइड से इसको फ्राई करूँगी। 5 मिनट हो गए हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखें बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। ये देखें मैंने सारे फ्राई करके निकाल लिए हैं, ये रेडी हो गए हैं सारे।
अब हम इन्हें केचप के साथ खाएंगे। तो बताइएगा आपको मेरी आज की पिन व्हील समोसा की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल में हकींदा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।